दुनिया में 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियां हैं, जिनमें से 5 पाकिस्तान में, 8 नेपाल में और 1 चाइना में है। कोपेमाई की खेल में ये 14 चोटियां सर करना सबसे बड़ा मार्का समझा जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बेहतरीन कोपेमा होने के बावजूद मसाइल की कमी की वजह से अब तक कोई भी कोपेमा ये एजाज हासिल नहीं कर सका। पाकिस्तान के लेजेंडरी कोपेमा मोहम्मद अली सतपारा का ये ख्वाब था कि वो ये 14 चोटियां सर करके ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम कर सके। बहुत सालों की मेहनत के बाद मोहम्मद अली सतपारा 8 चोटियां सर करने में कामयाब हुए। इस मिशन को जारी रखने के लिए अब पाकिस्तानी कौम की निगाहें सरबाज खान पर मरकूज हैं। मेरा नाम सरबाज खान है, मैं एक पाकिस्तानी कोपेमा हूँ। दुनिया में 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियाँ हैं, जिनमें से 5 चोटियाँ मैं सर कर चुका हूँ, K2, नंगा पर्वत और ब्रॉड पीक पाकिस्तान में, और माउंट लोत्से और माउंट मनसलू नेपाल में। अली भाई और मेरा ये ख्वाब था कि हम इन 14 चोटियों को सर करके पाकिस्तान के लिए ये एहसास हासिल करें। अली भाई इस मिशन को लीड कर रहे थे, वो 14 में से 8 पीक सर कर चुके थे, जिनमें से 4 हमने इकट्ठे सर की थी। हमने जो आखिरी पीक 7 समिट की वो माउंट मनसलू नेपाल में। अब अली भाई की इस ख्वाब को मुझे आगे लेके चलना है। मार्च 2021 में मैं दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट अन्नपूर्णा सर करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह जब मैं माउंट अन्नपूर्णा सर करूँगा, ये न सिर्फ मेरी बल्कि अली भाई और पूरे पाकिस्तान की कामयाबी होगी। पाकिस्तान का पहला मनसलू समिटर मुबारक मुबारक मुबारक। बहुत खुशी हो गई, महसूस हो गया मुझे। ये माउंटेन बहुत बर्फ थी, ये लोग खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं ना।